क्या आप श्राप जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ उनके लिए एक बैड लक है। जब भी वो लोग उसके संपर्क में आते हैं, उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, या तो वो बीमार हो जाते हैं या उनके काम में कोई ना कोई अड़ंगा जरूर आ जाता है। कई बार इसका भयानक पहलू भी देखा गया है, और वो है किसी की मौत हो जाना। दुनिया में ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे इस तरह के कई किस्से जुड़े हैं। तो ये जाने उन 5 श्रापित चीज़ों के बारे में जो लोगों के लिए मुसीबत लेकर आए। पेट्रीफाइड ट्रीज। 200 मिलियन साल पहले एरिजोना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसे आज के दौर में पेट्रीफाइड नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। हजारों सैलानी हर साल इस पार्क को विजिट करने आते हैं। इनमें से कई लोग निशानी के तौर पर यहाँ से कुछ पत्थरों को चुरा कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने भी यहाँ से आज तक ये पत्थर चुराए हैं, उनका मानना है ये पत्थर श्रापित है और इसने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। कई लोगों की इन पत्थरों को रखने के बाद बहुत ही बुरी स्थिति बन गई है। कुछ लोगों के रिश्ते अपनों से टूट गए, तो कई लोगों को बदकिस्मती से जेल हो गई। ऐसे भी कई लोग थे जिनकी किसी न किसी दुर्घटना में मौत हो गई। इसलिए आज कोई भी इन पत्थरों को वहां से चुराने की हिम्मत नहीं करता है, और जो करता है उसे बाद में इसका पछतावा जरूर होता है। 19 सितंबर 1991 को वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ी खोज की, जब उन्हें यूरोप के ओर्जल पर्वत के ग्लेशियर में प्रिजर्व की गई एक मम्मी मिली। ये मम्मी कई सालों से उन ग्लेशियर्स में दबी पड़ी थी। ये बड़ी खोज कई लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें भी लेकर आई। जितने भी लोग इसके संपर्क में आए, उन्होंने माना कि यह मम्मी श्रापित है, और इस मम्मी का सबसे पहला शिकार हुए वैज्ञानिक रेनर हैन। हैन वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आइसमैन को ग्लेशियर से खोद कर निकाला था। जब वो इसके संबंध में अपनी एक स्पीच देने जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ एक और रिसर्चर थे कर्ट फीड्स, जिनकी भी कुछ समय बाद एक बर्फीले तूफान की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। एक एक्सपीरियंस गाइड होने के बावजूद भी वो इस दुर्घटना में नहीं बच सके। उन दोनों को मिलाकर लगभग 7 लोग ऐसे थे जो उस आइसमैन मम्मी के संपर्क में आए थे, और उन 7 की ही मौत हो गई थी। एक म्यूजियम रूम के कॉर्नर में हवा में लटकी है चेयर कोई आम कुर्सी नहीं है। इसे इतना ऊपर इसलिए लटकाया गया है ताकि कोई इस पर बैठ ना सके, क्योंकि आज तक जिसने भी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की, उन सब लोगों की बहुत ही जल्द मौत हो गई। आज तक लगभग 63 लोग इस कुर्सी पर बैठ चुके थे, और उनमें से कोई भी नहीं बचा। इस कुर्सी से जुड़ी बदकिस्मती के पीछे एक कहानी है। ये कुर्सी थॉमस बस्बी नाम के एक व्यक्ति की थी, जिसे अपने अलावा किसी का भी इस कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं था। जो भी ऐसा करता, उसे देखकर थॉमस का खून खौल जाता था। इसी बात को लेकर थॉमस की एक बार एक व्यक्ति से बहस हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि थॉमस ने गुस्से में उस व्यक्ति की जान ले ली। कुछ समय बाद जब थॉमस मरा, तो उसने मरते वक्त ये श्राप दिया कि मेरे मरने के बाद जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठेगा, उसकी बहुत ही जल्दी मौत हो जाएगी। लेकिन कई लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हुए थॉमस की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करते रहे, जिसके बाद बहुत ही कम समय में उन सबकी मौतें होती गई। सन 1970 में इस चेयर को बस्बी शॉप में रख दिया गया था। शॉप के कई वर्कर्स और कस्टमर इस चेयर की सच्चाई से अनजान थे, और इस पर बैठने पर उस कुर्सी ने सबको अपना शिकार बना लिया। उसके बाद शॉप के नए ऑनर ने जमीन संयोगवश दुर्घटनाओं को समझ लिया, जिसके चलते बाद में इस कुर्सी को एक म्यूजियम के कोने में इतने ऊपर लटका दिया गया ताकि कोई भी इस कुर्सी तक पहुंच ना सके। द मीटल्स प्लांटेशन मिरर। सेंट फ्रांसिस विले में स्थित एक बहुत आनिशान घर है, जो अमेरिका के लुजियाना स्टेट के सबसे भूतिया घरों में से एक है। इस घर के अंदर एक आईना है जो लोगों के मुताबिक काफी मनहूस है। इस घर की मालकिन बहुत क्रूर थी। पुराने समय में इस घर में जो नौकर काम करते थे, उन पर वो बहुत अत्याचार करती थी और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। अफवाह है उसके बुरे कामों की वजह से उस औरत की मौत होने के बाद उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई। कई विजिटर्स ने इसकी फोटो क्लिक करते वक्त मिरर के आर पर देखने का दावा किया, जैसे कोई आईने के अंदर हाथ को ढकेलता हुआ उनको देख रहा है। कई इन्वेस्टिगेटर्स को भी यहाँ महसूस हुआ है कि उन्हें कोई आईने के अंदर की तरफ खींच रहा है। एक विजिटर ने तो उस बुरी औरत का पूरा शरीर और डराना चेहरा देखने का भी दावा किया है। कई सारे विजिटर्स हर साल इस हॉन्टेड हाउस को विजिट करने आते हैं, हालांकि कोई भी व्यक्ति इस मिरर को छूने की हिम्मत नहीं करता है। आपने सुना होगा एनाबेल की 2 डॉल्स हैं, एक जिसका यूज मूवी में हुआ था, जिसे रियलिटी में पोर्सलिन मटेरियल से बनाया गया था और जिसकी दहशत मूवी में दिखाई गई थी। ये डॉल दिखने में बहुत ही क्रीपी है, लेकिन असलियत में वो बस एक फिक्शनल डॉल है, क्योंकि रियल एनाबेल डॉल इसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखती है। असली एनाबेल डॉल किसी कठपुतली की तरह लगती है और एक सॉफ्ट टॉय की तरह दिखती है, जो बिल्कुल भी डरावनी नजर नहीं आती।
और काफी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन इस डॉल के नाइस होने की गलतफहमी तब दूर हो गई जब इसे किसी ने एक सेकेंड हैंड शॉप से खरीद कर एक लड़की को दे दिया जिसका नाम डोना था। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो एनाबेल को अपने रूम में सोफे पर या अलमीरा में रखा करती थी। कुछ साल बीतने पर एनाबेल घर में घूमते हुए नजर आने लगी। पहली बार तो वो सोफा से नीचे फ्लोर पर पड़ी मिली, लेकिन उसके बाद वो कई बार अलग अलग रूम में पाई गई। चीज़ें और भयावह तब हो गई जब एनाबेल घर में जगह जगह नोट्स छोड़ने लगी जिस पर कुछ ना कुछ पजल लिखी होती थी। लेकिन हद तब हो गई जब एक दिन डोना घर लौटी तो उसने पाया एनाबेल के हाथ खून से लथपथ थे। डोना बुरी तरह घबरा गई और लास्टली वो एक पादरी के पास गई और उसी पादरी ने बताया कि ये एनाबेल डॉल पोजेस्ड है और एक छोटी बच्ची की आत्मा इस डॉल के अंदर कैद है। फिलहाल ये डॉल कनेक्टिकट के वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स में रखी हुई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इन शापित वस्तुओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।